भारत में बीते कुछ साल में विदेशी निवेश में तेज इजाफा हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी स्कीम्स के आने के बाद तो भारत में दुनिया की नामचीन कंपनियों ने निवेश का ऐलान किया है, लेकिन अब भारत से ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI पर दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। CII और ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग की संयुक्त रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ब्रिटेन में भारत से FDI के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है और इस राज्य में हेड ऑफिस रखने वाली कंपनियों की ब्रिटेन में भारत से नए FDI में 20% से ज्यादा की हिस्सेदारी रही है। वहीं दूसरे नंबर पर 12% के साथ कर्नाटक और ब्रिटेन में 8.6% FDI के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में रकम के हिसाब से तो कुल FDI की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें इतना जरूर बताया गया है कि भारत से ब्रिटेन में कुल FDI में टॉप 10 राज्यों की 78% हिस्सेदारी रही है। टॉप 10 के बाकी राज्यों में 7.1% के साथ गुजरात चौथे स्थान पर है, 6.7% के साथ तमिलनाडु पांचवें स्थान पर, 6.5% के साथ तेलंगाना छठी पोजीशन पर, 5.9% के साथ उत्तर प्रदेश सातवें नंबर पर, 4.5% के साथ हरियाणा आठवें स्थान पर, 3.14% के साथ बंगाल नवी पोजीशन पर और 3.05% के साथ केरल दसवें नंबर पर शामिल है। भारत की कंपनियां ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर में करती है। हालांकि भारतीय कंपनियों का निवेश कई सेक्टर्स तक फैला हुआ है, जिससे देसी कंपनियों ने वहां के ज्यादातर प्रमुख सेक्टर्स में अपनी बेहतरीन साख बनाई है। अब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा योगदान है। भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके उनके इनोवेशन का ब्रिटिश उद्योग जगत को काफी फायदा मिल रहा है। इससे वहां पर निवेश के साथ ही रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि बीते साल ब्रिटेन के स्टूडेंट वीजा में 5% की बढ़ोतरी के साथ नए भारतीय छात्रों ने कुल मिलाकर ब्रिटेन के यूनिवर्सिटीज में अनुमानित 4.3 अरब पाउंड का योगदान दिया है। यानी वहाँ के एजुकेशन सेक्टर को रफ्तार देने में भी भारत का योगदान लगातार बढ़ रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।